नाजरीन सियानी की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे उजाला की दोस्त जब जुहेब और उजाला को एक साथ लंच पर बुलाएगी तो वो उजाला को बताएगी कि उजाला मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ, जिस पुलिस वाले ने आप लोगों पर बहतान लगाया था वो मेरा दोस्त था, उसने मुझे सब बताया कि उसने ये सब कुछ किरण आपी के कहने पर किया था, किरण आपी ने उसे बहुत भारी रकम दी थी। ये बात सुनकर जुहेब और उजाला दंग रह जाएंगे और उजाला जुहेब को बताएगी कि कोई शख्स ऐसा है जो किरण आपी को ब्लैकमेल कर रहा है और उससे बहुत सारे पैसे बटोर रहा है। उजाला और जुहेब जब किरण का पीछा करेंगे तो वो वहां पहुंच जाएंगे जहां पर किरण काशिफ को 25 लाख रुपए देगी। पैसे देने के बाद किरण काशिफ से कहेगी ये पैसे लो और यहां से दफा हो जाओ, आज के बाद मुझे अपनी ये शक्ल मत दिखाना, तुम बहुत बेहिस और बेगैरत हो, तुम्हारी वजह से नवीन ने खुदकुशी कर ली, अगर तुम उसे ब्लैकमेल ना करते, उसे ना डराते, उसे मोबाइल ना दिखाते, ना डराते तो वो ऐसा कभी ना करती। जिस पर काशिफ कहेगा मेरा इसमें कोई कसूर नहीं, उसने जानबूझकर खुदकुशी की है, तुम्हें क्या लगता है अगर मैं फंसूंगा तो तुम क्या बची रहोगी, जिसे बताना है जाकर बता दो, मगर एक बात का ख्याल रखना फिर बचोगी तुम भी नहीं। ये सारी बातें उजाला और जुहेब सुन लेंगे। जुहेब ये सुनकर तो जैसे सकते में चला जाएगा, जुहेब कभी भी अब किरण को माफ नहीं करेगा, वो तो अपने घर जाकर हंगामा बर्पा कर देगा और कहेगा कि नवीन की मौत के जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि किरण है, किरण ही ने मेरी बहन का कत्ल किया है। तो उजाला और जुहेब दोनों मिलकर काशिफ और किरण इन्हें इनके कैफ करदार तक पहुंचाएंगे। तो नाजरीन क्या किरण का अंजाम ऐसा ही होना चाहिए था या फिर इससे कुछ मुख्तलफ, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। उजाला को बताएगी कि उजाला मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं, जिस पुलिस वाले ने आप लोगों पर बहतान लगाया था वो मेरा दोस्त था, उसने मुझे सब बताया कि उसने ये सब कुछ किरण आपी के कहने पर किया था, किरण आपी ने उसे बहुत भारी रकम दी थी। ये बात सुनकर जुहेब और उजाला दंग रह जाएंगे और उजाला जुहेब को बताएगी कि कोई शख्स ऐसा है जो किरण आपी को ब्लैकमेल कर रहा है और उससे बहुत सारे पैसे बटोर रहा है। उजाला और जुहेब जब किरण का पीछा करेंगे तो वो वहां पहुंच जाएंगे जहां पर किरण काशिफ को 25 लाख रुपए देगी। पैसे देने के बाद किरण काशिफ से कहेगी ये पैसे लो और यहां से दफा हो जाओ, आज के बाद मुझे अपनी ये शक्ल मत दिखाना, तुम बहुत बेहिस और बेगैरत हो, तुम्हारी वजह से नवीन ने खुदकुशी कर ली, अगर तुम उसे ब्लैकमेल ना करते, उसे ना डराते, उसे मोबाइल ना दिखाते, ना डराते तो वो ऐसा कभी ना करती। जिस पर काशिफ कहेगा मेरा इसमें कोई कसूर नहीं, उसने जानबूझकर खुदकुशी की है, तुम्हें क्या लगता है अगर मैं फंसूंगा तो तुम क्या बची रहोगी, जिसे बताना है जाकर बता दो, मगर एक बात का ख्याल रखना फिर बचोगी तुम भी नहीं। ये सारी बातें उजाला और जुहेब सुन लेंगे। जुहेब ये सुनकर तो जैसे सकते में चला जाएगा, जुहेब कभी भी अब किरण को माफ नहीं करेगा, वो तो अपने घर जाकर हंगामा बर्पा कर देगा और कहेगा कि नवीन की मौत के जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि किरण है, किरण ही ने मेरी बहन का कत्ल किया है। तो उजाला और जुहेब दोनों मिलकर काशिफ और किरण इन्हें इनके कैफ करदार तक पहुंचाएंगे। तो नाजरीन क्या किरण का अंजाम ऐसा ही होना चाहिए था या फिर इससे कुछ मुख्तलफ, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। उजाला को बताएगी कि उजाला मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं, जिस पुलिस वाले ने आप लोगों पर बहतान लगाया था वो मेरा दोस्त था, उसने मुझे सब बताया कि उसने ये सब कुछ किरण आपी के कहने पर किया था, किरण आपी ने उसे बहुत भारी रकम दी थी। ये बात सुनकर जुहेब और उजाला दंग रह जाएंगे और उजाला जुहेब को बताएगी कि कोई शख्स ऐसा है जो किरण आपी को ब्लैकमेल कर रहा है और उससे बहुत सारे पैसे बटोर रहा है। उजाला और जुहेब जब किरण का पीछा करेंगे तो वो वहां पहुंच जाएंगे जहां पर किरण काशिफ को 25 लाख रुपए देगी। पैसे देने के बाद किरण काशिफ से कहेगी ये पैसे लो और यहां से दफा हो जाओ, आज के बाद मुझे अपनी ये शक्ल मत दिखाना, तुम बहुत बेहिस और बेगैरत हो, तुम्हारी वजह से नवीन ने खुदकुशी कर ली, अगर तुम उसे ब्लैकमेल ना करते, उसे ना डराते, उसे मोबाइल ना दिखाते, ना डराते तो वो ऐसा कभी ना करती। जिस पर काशिफ कहेगा मेरा इसमें कोई कसूर नहीं, उसने जानबूझकर खुदकुशी की है, तुम्हें क्या लगता है अगर मैं फंसूंगा
तो तुम क्या बची रहोगी? जिसे बताना है जाकर बता दो, मगर एक बात का ख्याल रखना, फिर बचोगी तुम भी नहीं। ये सारी बातें उजाला और जुहेब सुन लेंगे। जुहेब ये सुनकर तो जैसे सकते में चला जाएगा। जुहेब कभी भी अब किरण को माफ नहीं करेगा, वो तो अपने घर जाकर हंगामा बर्पा कर देगा और कहेगा कि नवीन की मौत के जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि किरण है, किरण ही ने मेरी बहन का कत्ल किया है। तो उजाला और जुहेब दोनों मिलकर काशिफ और किरण इन्हें इनके कैफरे करदार तक पहुंचाएंगे। तो नाजरीन, क्या किरण का अंजाम ऐसा ही होना चाहिए था या फिर इससे कुछ मुख्तलफ? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। उजाला को बताएगी कि उजाला, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। जिस पुलिस वाले ने आप लोगों पर बहतान लगाया था वो मेरा दोस्त था। उसने मुझे सब बताया कि उसने ये सब कुछ किरण आपी के कहने पर किया था। किरण आपी ने उसे बहुत भारी रकम दी थी। ये बात सुनकर जुहेब और उजाला दंग रह जाएंगे और उजाला जुहेब को बताएगी कि कोई शख्स ऐसा है जो किरण आपी को ब्लैकमेल कर रहा है और उससे बहुत सारे पैसे बटोर रहा है। उजाला और जुहेब जब किरण का पीछा करेंगे तो वो वहां पहुंच जाएंगे जहां पर किरण काशिफ को 25 लाख रुपए देगी। पैसे देने के बाद किरण काशिफ से कहेगी, ये पैसे लो और यहां से दफा हो जाओ, आज के बाद मुझे अपनी ये शक्ल मत दिखाना, तुम बहुत बेहिस और बेगैरत हो, तुम्हारी वजह से नवीन ने खुदकुशी कर ली। अगर तुम उसे ब्लैकमेल ना करते, उसे ना डराते, उसे मोबाइल ना दिखाते, ना डराते, तो वो ऐसा कभी ना करती। जिस पर काशिफ कहेगा, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं, उसने जानबूझकर खुदकुशी की है। तुम्हें क्या लगता है अगर मैं फंसूंगा तो तुम क्या बची रहोगी? जिसे बताना है जाकर बता दो, मगर एक बात का ख्याल रखना, फिर बचोगी तुम भी नहीं। ये सारी बातें उजाला और जुहेब सुन लेंगे। जुहेब ये सुनकर तो जैसे सकते में चला जाएगा। जुहेब कभी भी अब किरण को माफ नहीं करेगा, वो तो अपने घर जाकर हंगामा बर्पा कर देगा और कहेगा कि नवीन की मौत के जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि किरण है, किरण ही ने मेरी बहन का कत्ल किया है। तो उजाला और जुहेब दोनों मिलकर काशिफ और किरण इन्हें इनके कैफरे करदार तक पहुंचाएंगे। तो नाजरीन, क्या किरण का अंजाम ऐसा ही होना चाहिए था या फिर इससे कुछ मुख्तलफ? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। उजाला को बताएगी कि उजाला, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं। जिस पुलिस वाले ने आप लोगों पर बहतान लगाया था वो मेरा दोस्त था। उसने मुझे सब बताया कि उसने ये सब कुछ किरण आपी के कहने पर किया था। किरण आपी ने उसे बहुत भारी रकम दी थी। ये बात सुनकर जुहेब और उजाला दंग रह जाएंगे और उजाला जुहेब को बताएगी कि कोई शख्स ऐसा है जो किरण आपी को ब्लैकमेल कर रहा है और उससे बहुत सारे पैसे बटोर रहा है। उजाला और जुहेब जब किरण का पीछा करेंगे तो वो वहां पहुंच जाएंगे जहां पर किरण काशिफ को 25 लाख रुपए देगी। पैसे देने के बाद किरण काशिफ से कहेगी, ये पैसे लो और यहां से दफा हो जाओ, आज के बाद मुझे अपनी ये शक्ल मत दिखाना, तुम बहुत बेहिस और बेगैरत हो, तुम्हारी वजह से नवीन ने खुदकुशी कर ली। अगर तुम उसे ब्लैकमेल ना करते, उसे ना डराते, उसे मोबाइल ना दिखाते, ना डराते, तो वो ऐसा कभी ना करती। जिस पर काशिफ कहेगा, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं, उसने जानबूझकर खुदकुशी की है। तुम्हें क्या लगता है अगर मैं फंसूंगा तो तुम क्या बची रहोगी? जिसे बताना है जाकर बता दो, मगर एक बात का ख्याल रखना, फिर बचोगी तुम भी नहीं। ये सारी बातें उजाला और जुहेब सुन लेंगे। जुहेब ये सुनकर तो जैसे सकते में चला जाएगा। जुहेब कभी भी अब किरण को माफ नहीं करेगा, वो तो अपने घर जाकर हंगामा बर्पा कर देगा और कहेगा कि नवीन की मौत के जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि किरण है, किरण ही ने मेरी बहन का कत्ल किया है। तो उजाला और जुहेब दोनों मिलकर काशिफ और किरण इन्हें इनके कैफरे करदार तक पहुंचाएंगे। तो नाजरीन, क्या किरण का अंजाम ऐसा ही होना चाहिए था या फिर इससे कुछ मुख्तलफ? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। उजाला को बताएगी कि उजाला, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं। जिस पुलिस वाले ने आप लोगों पर बहतान लगाया था वो मेरा दोस्त था। उसने मुझे सब बताया कि उसने ये सब कुछ किरण आपी के कहने पर किया था। किरण आपी ने उसे बहुत भारी रकम दी थी। ये बात सुनकर जुहेब और उजाला दंग रह जाएंगे और उजाला जुहेब को बताएगी कि कोई शख्स ऐसा है जो किरण आपी को ब्लैकमेल कर रहा है और उससे बहुत सारे पैसे बटोर रहा है। उजाला और जुहेब जब किरण का पीछा करेंगे तो वो वहां पहुंच जाएंगे जहां पर किरण काशिफ को 25 लाख रुपए देगी। पैसे देने के बाद किरण काशिफ से कहेगी, ये पैसे लो और यहां से दफा हो जाओ, आज के बाद मुझे अपनी ये शक्ल मत दिखाना, तुम बहुत बेहिस और बेगैरत हो, तुम्हारी वजह से नवीन ने खुदकुशी कर ली। अगर तुम उसे ब्लैकमेल ना करते, उसे ना डराते, उसे मोबाइल ना दिखाते, ना डराते, तो वो ऐसा कभी ना करती। जिस पर काशिफ कहेगा,
मेरा इसमें कोई कसूर नहीं, उसने जानबूझकर खुदकुशी की है। तुम्हें क्या लगता है अगर मैं फंसूंगा तो तुम क्या बची रहोगी? जिसे बताना है जाकर बता दो, मगर एक बात का ख्याल रखना, फिर बचोगी तुम भी नहीं। ये सारी बातें उजाला और जुहेब सुन लेंगे। जुहेब ये सुनकर तो जैसे सकते में चला जाएगा। जुहेब कभी भी अब किरण को माफ नहीं करेगा, वो तो अपने घर जाकर हंगामा बरपा कर देगा और कहेगा कि नवीन की मौत के जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि किरण है, किरण ही ने मेरी बहन का कत्ल किया है। तो उजाला और जुहेब दोनों मिलकर काशिफ और किरण इन्हें इनके कैफरे करदार तक पहुंचाएंगे। तो नाजरीन, क्या किरण का अंजाम ऐसा ही होना चाहिए था या फिर इससे कुछ मुख्तलफ? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। उजाला को बताएगी कि उजाला मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं, जिस पुलिस वाले ने आप लोगों पर बहतान लगाया था वो मेरा दोस्त था, उसने मुझे सब बताया कि उसने ये सब कुछ किरण आपी के कहने पर किया था, किरण आपी ने उसे बहुत भारी रकम दी थी। ये बात सुनकर जुहेब और उजाला दंग रह जाएंगे और उजाला जुहेब को बताएगी कि कोई शख्स ऐसा है जो किरण आपी को ब्लैकमेल कर रहा है और उससे बहुत सारे पैसे बटोर रहा है। उजाला और जुहेब जब किरण का पीछा करेंगे तो वो वहां पहुंच जाएंगे जहां पर किरण काशिफ को 25 लाख रुपए देगी। पैसे देने के बाद किरण काशिफ से कहेगी, ये पैसे लो और यहां से दफा हो जाओ, आज के बाद मुझे अपनी ये शक्ल मत दिखाना, तुम बहुत बेहिस और बेगैरत हो, तुम्हारी वजह से नवीन ने खुदकुशी कर ली। अगर तुम उसे ब्लैकमेल ना करते, उसे ना डराते, उसे मोबाइल ना दिखाते, ना डराते तो वो ऐसा कभी ना करती। जिस पर काशिफ कहेगा, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं, उसने जानबूझकर खुदकुशी की है। तुम्हें क्या लगता है अगर मैं फंसूंगा तो तुम क्या बची रहोगी? जिसे बताना है जाकर बता दो, मगर एक बात का ख्याल रखना, फिर बचोगी तुम भी नहीं। ये सारी बातें उजाला और जुहेब सुन लेंगे। जुहेब ये सुनकर तो जैसे सकते में चला जाएगा। जुहेब कभी भी अब किरण को माफ नहीं करेगा, वो तो अपने घर जाकर हंगामा बरपा कर देगा और कहेगा कि नवीन की मौत के जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि किरण है, किरण ही ने मेरी बहन का कत्ल किया है। तो उजाला और जुहेब दोनों मिलकर काशिफ और किरण इन्हें इनके कैफरे करदार तक पहुंचाएंगे। तो नाजरीन, क्या किरण का अंजाम ऐसा ही होना चाहिए था या फिर इससे कुछ मुख्तलफ? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। उजाला को बताएगी कि उजाला मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं, जिस पुलिस वाले ने आप लोगों पर बहतान लगाया था वो मेरा दोस्त था, उसने मुझे सब बताया कि उसने ये सब कुछ किरण आपी के कहने पर किया था, किरण आपी ने उसे बहुत भारी रकम दी थी। ये बात सुनकर जुहेब और उजाला दंग रह जाएंगे और उजाला जुहेब को बताएगी कि कोई शख्स ऐसा है जो किरण आपी को ब्लैकमेल कर रहा है और उससे बहुत सारे पैसे बटोर रहा है। उजाला और जुहेब जब किरण का पीछा करेंगे तो वो वहां पहुंच जाएंगे जहां पर किरण काशिफ को 25 लाख रुपए देगी। पैसे देने के बाद किरण काशिफ से कहेगी, ये पैसे लो और यहां से दफा हो जाओ, आज के बाद मुझे अपनी ये शक्ल मत दिखाना, तुम बहुत बेहिस और बेगैरत हो, तुम्हारी वजह से नवीन ने खुदकुशी कर ली। अगर तुम उसे ब्लैकमेल ना करते, उसे ना डराते, उसे मोबाइल ना दिखाते, ना डराते तो वो ऐसा कभी ना करती। जिस पर काशिफ कहेगा, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं, उसने जानबूझकर खुदकुशी की है। तुम्हें क्या लगता है अगर मैं फंसूंगा तो तुम क्या बची रहोगी? जिसे बताना है जाकर बता दो, मगर एक बात का ख्याल रखना, फिर बचोगी तुम भी नहीं। ये सारी बातें उजाला और जुहेब सुन लेंगे। जुहेब ये सुनकर तो जैसे सकते में चला जाएगा। जुहेब कभी भी अब किरण को माफ नहीं करेगा, वो तो अपने घर जाकर हंगामा बरपा कर देगा और कहेगा कि नवीन की मौत के जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि किरण है, किरण ही ने मेरी बहन का कत्ल किया है। तो उजाला और जुहेब दोनों मिलकर काशिफ और किरण इन्हें इनके कैफरे करदार तक पहुंचाएंगे। तो नाजरीन, क्या किरण का अंजाम ऐसा ही होना चाहिए था या फिर इससे कुछ मुख्तलफ? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। उजाला को बताएगी कि उजाला मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं, जिस पुलिस वाले ने आप लोगों पर बहतान लगाया था वो मेरा दोस्त था, उसने मुझे सब बताया कि उसने ये सब कुछ किरण आपी के कहने पर किया था, किरण आपी ने उसे बहुत भारी रकम दी थी। ये बात सुनकर जुहेब और उजाला दंग रह जाएंगे और उजाला जुहेब को बताएगी कि कोई शख्स ऐसा है जो किरण आपी को ब्लैकमेल कर रहा है और उससे बहुत सारे पैसे बटोर रहा है। उजाला और जुहेब जब किरण का पीछा करेंगे तो वो वहां पहुंच जाएंगे जहां पर किरण काशिफ को 25 लाख रुपए देगी। पैसे देने के बाद किरण काशिफ से कहेगी, ये पैसे लो और यहां से दफा हो जाओ, आज के बाद मुझे अपनी ये शक्ल मत दिखाना, तुम बहुत बेहिस और बेगैरत हो, तुम्हारी वजह से नवीन ने खुदकुशी कर ली। अगर तुम उसे ब्लैकमेल ना करते, उसे ना डराते, उसे मोबाइल ना दिखाते, ना डराते
तो वो ऐसा कभी ना करती। जिस पर काशिफ कहेगा, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं, उसने जानबूझकर खुदकुशी की है। तुम्हें क्या लगता है, अगर मैं फंसूंगा तो तुम क्या बची रहोगी? जिसे बताना है जाकर बता दो, मगर एक बात का ख्याल रखना, फिर बचोगी तुम भी नहीं। ये सारी बातें उजाला और जुहेब सुन लेंगे। जुहेब ये सुनकर तो जैसे सकते में चला जाएगा। जुहेब कभी भी अब किरण को माफ नहीं करेगा, वो तो अपने घर जाकर हंगामा बर्पा कर देगा और कहेगा कि नवीन की मौत के जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि किरण है, किरण ही ने मेरी बहन का कत्ल किया है। तो उजाला और जुहेब दोनों मिलकर काशिफ और किरण इन्हें इनके कैफरे करदार तक पहुंचाएंगे। तो नाजरीन, क्या किरण का अंजाम ऐसा ही होना चाहिए था या फिर इससे कुछ मुख्तलफ? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। उजाला को बताएगी कि उजाला, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। जिस पुलिस वाले ने आप लोगों पर बहतान लगाया था वो मेरा दोस्त था। उसने मुझे सब बताया कि उसने ये सब कुछ किरण आपी के कहने पर किया था। किरण आपी ने उसे बहुत भारी रकम दी थी। ये बात सुनकर जुहेब और उजाला दंग रह जाएंगे और उजाला जुहेब को बताएगी कि कोई शख्स ऐसा है जो किरण आपी को ब्लैकमेल कर रहा है और उससे बहुत सारे पैसे बटोर रहा है। उजाला और जुहेब जब किरण का पीछा करेंगे तो वो वहां पहुंच जाएंगे जहां पर किरण काशिफ को 25 लाख रुपए देगी। पैसे देने के बाद किरण काशिफ से कहेगी, ये पैसे लो और यहां से दफा हो जाओ, आज के बाद मुझे अपनी ये शक्ल मत दिखाना, तुम बहुत बेहिस और बेगैरत हो, तुम्हारी वजह से नवीन ने खुदकुशी कर ली। अगर तुम उसे ब्लैकमेल ना करते, उसे ना डराते, उसे मोबाइल ना दिखाते, ना डराते, तो वो ऐसा कभी ना करती। जिस पर काशिफ कहेगा, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं, उसने जानबूझकर खुदकुशी की है। तुम्हें क्या लगता है, अगर मैं फंसूंगा तो तुम क्या बची रहोगी? जिसे बताना है जाकर बता दो, मगर एक बात का ख्याल रखना, फिर बचोगी तुम भी नहीं। ये सारी बातें उजाला और जुहेब सुन लेंगे। जुहेब ये सुनकर तो जैसे सकते में चला जाएगा। जुहेब कभी भी अब किरण को माफ नहीं करेगा, वो तो अपने घर जाकर हंगामा बर्पा कर देगा और कहेगा कि नवीन की मौत के जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि किरण है, किरण ही ने मेरी बहन का कत्ल किया है। तो उजाला और जुहेब दोनों मिलकर काशिफ और किरण इन्हें इनके कैफरे करदार तक पहुंचाएंगे। तो नाजरीन, क्या किरण का अंजाम ऐसा ही होना चाहिए था या फिर इससे कुछ मुख्तलफ? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। उजाला को बताएगी कि उजाला, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं। जिस पुलिस वाले ने आप लोगों पर बहतान लगाया था वो मेरा दोस्त था। उसने मुझे सब बताया कि उसने ये सब कुछ किरण आपी के कहने पर किया था। किरण आपी ने उसे बहुत भारी रकम दी थी। ये बात सुनकर जुहेब और उजाला दंग रह जाएंगे और उजाला जुहेब को बताएगी कि कोई शख्स ऐसा है जो किरण आपी को ब्लैकमेल कर रहा है और उससे बहुत सारे पैसे बटोर रहा है। उजाला और जुहेब जब किरण का पीछा करेंगे तो वो वहां पहुंच जाएंगे जहां पर किरण काशिफ को 25 लाख रुपए देगी। पैसे देने के बाद किरण काशिफ से कहेगी, ये पैसे लो और यहां से दफा हो जाओ, आज के बाद मुझे अपनी ये शक्ल मत दिखाना, तुम बहुत बेहिस और बेगैरत हो, तुम्हारी वजह से नवीन ने खुदकुशी कर ली। अगर तुम उसे ब्लैकमेल ना करते, उसे ना डराते, उसे मोबाइल ना दिखाते, ना डराते, तो वो ऐसा कभी ना करती। जिस पर काशिफ कहेगा, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं, उसने जानबूझकर खुदकुशी की है। तुम्हें क्या लगता है, अगर मैं फंसूंगा तो तुम क्या बची रहोगी? जिसे बताना है जाकर बता दो, मगर एक बात का ख्याल रखना, फिर बचोगी तुम भी नहीं। ये सारी बातें उजाला और जुहेब सुन लेंगे। जुहेब ये सुनकर तो जैसे सकते में चला जाएगा। जुहेब कभी भी अब किरण को माफ नहीं करेगा, वो तो अपने घर जाकर हंगामा बर्पा कर देगा और कहेगा कि नवीन की मौत के जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि किरण है, किरण ही ने मेरी बहन का कत्ल किया है। तो उजाला और जुहेब दोनों मिलकर काशिफ और किरण इन्हें इनके कैफरे करदार तक पहुंचाएंगे। तो नाजरीन, क्या किरण का अंजाम ऐसा ही होना चाहिए था या फिर इससे कुछ मुख्तलफ? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। उजाला को बताएगी कि उजाला, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं। जिस पुलिस वाले ने आप लोगों पर बहतान लगाया था वो मेरा दोस्त था। उसने मुझे सब बताया कि उसने ये सब कुछ किरण आपी के कहने पर किया था। किरण आपी ने उसे बहुत भारी रकम दी थी। ये बात सुनकर जुहेब और उजाला दंग रह जाएंगे और उजाला जुहेब को बताएगी कि कोई शख्स ऐसा है जो किरण आपी को ब्लैकमेल कर रहा है और उससे बहुत सारे पैसे बटोर रहा है। उजाला और जुहेब जब किरण का पीछा करेंगे
तो वो वहां पहुंच जाएंगे जहां पर किरण काशिफ को 25 लाख रुपए देगी। पैसे देने के बाद किरण काशिफ से कहेगी, ये पैसे लो और यहां से दफा हो जाओ, आज के बाद मुझे अपनी ये शक्ल मत दिखाना, तुम बहुत बेहिस और बेगैरत हो, तुम्हारी वजह से नवीन ने खुदकुशी कर ली। अगर तुम उसे ब्लैकमेल ना करते, उसे ना डराते, उसे मोबाइल ना दिखाते, ना डराते, तो वो ऐसा कभी ना करती। जिस पर काशिफ कहेगा, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं, उसने जानबूझकर खुदकुशी की है, तुम्हें क्या लगता है अगर मैं फंसूंगा तो तुम क्या बची रहोगी, जिसे बताना है जाकर बता दो, मगर एक बात का ख्याल रखना, फिर बचोगी तुम भी नहीं। ये सारी बातें उजाला और जुहेब सुन लेंगे। जुहेब ये सुनकर तो जैसे सकते में चला जाएगा। जुहेब कभी भी अब किरण को माफ नहीं करेगा, वो तो अपने घर जाकर हंगामा बर्पा कर देगा और कहेगा कि नवीन की मौत के जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि किरण है, किरण ही ने मेरी बहन का कत्ल किया है। तो उजाला और जुहेब दोनों मिलकर काशिफ और किरण इन्हें इनके कैफरे करदार तक पहुंचाएंगे। तो नाजरीन, क्या किरण का अंजाम ऐसा ही होना चाहिए था या फिर इससे कुछ मुख्तलफ? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। उजाला को बताएगी कि उजाला, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ, जिस पुलिस वाले ने आप लोगों पर बहतान लगाया था वो मेरा दोस्त था, उसने मुझे सब बताया कि उसने ये सब कुछ किरण आपी के कहने पर किया था, किरण आपी ने उसे बहुत भारी रकम दी थी। ये बात सुनकर जुहेब और उजाला दंग रह जाएंगे और उजाला जुहेब को बताएगी कि कोई शख्स ऐसा है जो किरण आपी को ब्लैकमेल कर रहा है और उससे बहुत सारे पैसे बटोर रहा है। उजाला और जुहेब जब किरण का पीछा करेंगे तो वो वहां पहुंच जाएंगे जहां पर किरण काशिफ को 25 लाख रुपए देगी। पैसे देने के बाद किरण काशिफ से कहेगी, ये पैसे लो और यहां से दफा हो जाओ, आज के बाद मुझे अपनी ये शक्ल मत दिखाना, तुम बहुत बेहिस और बेगैरत हो, तुम्हारी वजह से नवीन ने खुदकुशी कर ली, अगर तुम उसे ब्लैकमेल ना करते, उसे ना डराते, उसे मोबाइल ना दिखाते, ना डराते, तो वो ऐसा कभी ना करती। जिस पर काशिफ कहेगा, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं, उसने जानबूझकर खुदकुशी की है, तुम्हें क्या लगता है अगर मैं फंसूंगा तो तुम क्या बची रहोगी, जिसे बताना है जाकर बता दो, मगर एक बात का ख्याल रखना, फिर बचोगी तुम भी नहीं। ये सारी बातें उजाला और जुहेब सुन लेंगे। जुहेब ये सुनकर तो जैसे सकते में चला जाएगा। जुहेब कभी भी अब किरण को माफ नहीं करेगा, वो तो अपने घर जाकर हंगामा बर्पा कर देगा और कहेगा कि नवीन की मौत के जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि किरण है, किरण ही ने मेरी बहन का कत्ल किया है। तो उजाला और जुहेब दोनों मिलकर काशिफ और किरण इन्हें इनके कैफरे करदार तक पहुंचाएंगे। तो नाजरीन, क्या किरण का अंजाम ऐसा ही होना चाहिए था या फिर इससे कुछ मुख्तलफ? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। उजाला को बताएगी कि उजाला, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ, जिस पुलिस वाले ने आप लोगों पर बहतान लगाया था वो मेरा दोस्त था, उसने मुझे सब बताया कि उसने ये सब कुछ किरण आपी के कहने पर किया था, किरण आपी ने उसे बहुत भारी रकम दी थी। ये बात सुनकर जुहेब और उजाला दंग रह जाएंगे और उजाला जुहेब को बताएगी कि कोई शख्स ऐसा है जो किरण आपी को ब्लैकमेल कर रहा है और उससे बहुत सारे पैसे बटोर रहा है। उजाला और जुहेब जब किरण का पीछा करेंगे तो वो वहां पहुंच जाएंगे जहां पर किरण काशिफ को 25 लाख रुपए देगी। पैसे देने के बाद किरण काशिफ से कहेगी, ये पैसे लो और यहां से दफा हो जाओ, आज के बाद मुझे अपनी ये शक्ल मत दिखाना, तुम बहुत बेहिस और बेगैरत हो, तुम्हारी वजह से नवीन ने खुदकुशी कर ली, अगर तुम उसे ब्लैकमेल ना करते, उसे ना डराते, उसे मोबाइल ना दिखाते, ना डराते, तो वो ऐसा कभी ना करती। जिस पर काशिफ कहेगा, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं, उसने जानबूझकर खुदकुशी की है, तुम्हें क्या लगता है अगर मैं फंसूंगा तो तुम क्या बची रहोगी, जिसे बताना है जाकर बता दो, मगर एक बात का ख्याल रखना, फिर बचोगी तुम भी नहीं। ये सारी बातें उजाला और जुहेब सुन लेंगे। जुहेब ये सुनकर तो जैसे सकते में चला जाएगा। जुहेब कभी भी अब किरण को माफ नहीं करेगा, वो तो अपने घर जाकर हंगामा बर्पा कर देगा और कहेगा कि नवीन की मौत के जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि किरण है, किरण ही ने मेरी बहन का कत्ल किया है। तो उजाला और जुहेब दोनों मिलकर काशिफ और किरण इन्हें इनके कैफरे करदार तक पहुंचाएंगे। तो नाजरीन, क्या किरण का अंजाम ऐसा ही होना चाहिए था या फिर इससे कुछ मुख्तलफ? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। उजाला को बताएगी कि उजाला, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ, जिस पुलिस वाले ने आप लोगों पर बहतान लगाया था वो मेरा दोस्त था, उसने मुझे सब बताया कि उसने ये सब कुछ किरण आपी के कहने पर किया था, किरण आपी ने उसे बहुत भारी रकम दी थी। ये बात सुनकर जुहेब और उजाला दंग रह जाएंगे और उजाला जुहेब को बताएगी कि कोई शख्स ऐसा है जो
किरण आपी को ब्लैकमेल कर रहा है और उससे बहुत सारे पैसे बटोर रहा है। उजाला और जुहेब जब किरण का पीछा करेंगे तो वो वहां पहुंच जाएंगे जहां पर किरण काशिफ को 25 लाख रुपए देगी। पैसे देने के बाद किरण काशिफ से कहेगी, ये पैसे लो और यहां से दफा हो जाओ, आज के बाद मुझे अपनी ये शक्ल मत दिखाना, तुम बहुत बेहिस और बेगैरत हो, तुम्हारी वजह से नवीन ने खुदकुशी कर ली, अगर तुम उसे ब्लैकमेल ना करते, उसे ना डराते, उसे मोबाइल ना दिखाते, ना डराते तो वो ऐसा कभी ना करती। जिस पर काशिफ कहेगा, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं, उसने जानबूझकर खुदकुशी की है, तुम्हें क्या लगता है अगर मैं फंसूंगा तो तुम क्या बची रहोगी, जिसे बताना है जाकर बता दो, मगर एक बात का ख्याल रखना, फिर बचोगी तुम भी नहीं। ये सारी बातें उजाला और जुहेब सुन लेंगे। जुहेब ये सुनकर तो जैसे सकते में चला जाएगा। जुहेब कभी भी अब किरण को माफ नहीं करेगा, वो तो अपने घर जाकर हंगामा बर्पा कर देगा और कहेगा कि नवीन की मौत के जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि किरण है, किरण ही ने मेरी बहन का कत्ल किया है। तो उजाला और जुहेब दोनों मिलकर काशिफ और किरण इन्हें इनके कैफ करदार तक पहुंचाएंगे। तो नाजरीन, क्या किरण का अंजाम ऐसा ही होना चाहिए था या फिर इससे कुछ मुख्तलफ? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। उजाला को बताएगी कि उजाला, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं, जिस पुलिस वाले ने आप लोगों पर बहतान लगाया था वो मेरा दोस्त था, उसने मुझे सब बताया कि उसने ये सब कुछ किरण आपी के कहने पर किया था, किरण आपी ने उसे बहुत भारी रकम दी थी। ये बात सुनकर जुहेब और उजाला दंग रह जाएंगे और उजाला जुहेब को बताएगी कि कोई शख्स ऐसा है जो किरण आपी को ब्लैकमेल कर रहा है और उससे बहुत सारे पैसे बटोर रहा है। उजाला और जुहेब जब किरण का पीछा करेंगे तो वो वहां पहुंच जाएंगे जहां पर किरण काशिफ को 25 लाख रुपए देगी। पैसे देने के बाद किरण काशिफ से कहेगी, ये पैसे लो और यहां से दफा हो जाओ, आज के बाद मुझे अपनी ये शक्ल मत दिखाना, तुम बहुत बेहिस और बेगैरत हो, तुम्हारी वजह से नवीन ने खुदकुशी कर ली, अगर तुम उसे ब्लैकमेल ना करते, उसे ना डराते, उसे मोबाइल ना दिखाते, ना डराते तो वो ऐसा कभी ना करती। जिस पर काशिफ कहेगा, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं, उसने जानबूझकर खुदकुशी की है, तुम्हें क्या लगता है अगर मैं फंसूंगा तो तुम क्या बची रहोगी, जिसे बताना है जाकर बता दो, मगर एक बात का ख्याल रखना, फिर बचोगी तुम भी नहीं। ये सारी बातें उजाला और जुहेब सुन लेंगे। जुहेब ये सुनकर तो जैसे सकते में चला जाएगा। जुहेब कभी भी अब किरण को माफ नहीं करेगा, वो तो अपने घर जाकर हंगामा बर्पा कर देगा और कहेगा कि नवीन की मौत के जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि किरण है, किरण ही ने मेरी बहन का कत्ल किया है। तो उजाला और जुहेब दोनों मिलकर काशिफ और किरण इन्हें इनके कैफ करदार तक पहुंचाएंगे। तो नाजरीन, क्या किरण का अंजाम ऐसा ही होना चाहिए था या फिर इससे कुछ मुख्तलफ? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। उजाला को बताएगी कि उजाला, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं, जिस पुलिस वाले ने आप लोगों पर बहतान लगाया था वो मेरा दोस्त था, उसने मुझे सब बताया कि उसने ये सब कुछ किरण आपी के कहने पर किया था, किरण आपी ने उसे बहुत भारी रकम दी थी। ये बात सुनकर जुहेब और उजाला दंग रह जाएंगे और उजाला जुहेब को बताएगी कि कोई शख्स ऐसा है जो किरण आपी को ब्लैकमेल कर रहा है और उससे बहुत सारे पैसे बटोर रहा है। उजाला और जुहेब जब किरण का पीछा करेंगे तो वो वहां पहुंच जाएंगे जहां पर किरण काशिफ को 25 लाख रुपए देगी। पैसे देने के बाद किरण काशिफ से कहेगी, ये पैसे लो और यहां से दफा हो जाओ, आज के बाद मुझे अपनी ये शक्ल मत दिखाना, तुम बहुत बेहिस और बेगैरत हो, तुम्हारी वजह से नवीन ने खुदकुशी कर ली, अगर तुम उसे ब्लैकमेल ना करते, उसे ना डराते, उसे मोबाइल ना दिखाते, ना डराते तो वो ऐसा कभी ना करती। जिस पर काशिफ कहेगा, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं, उसने जानबूझकर खुदकुशी की है, तुम्हें क्या लगता है अगर मैं फंसूंगा तो तुम क्या बची रहोगी, जिसे बताना है जाकर बता दो, मगर एक बात का ख्याल रखना, फिर बचोगी तुम भी नहीं। ये सारी बातें उजाला और जुहेब सुन लेंगे। जुहेब ये सुनकर तो जैसे सकते में चला जाएगा। जुहेब कभी भी अब किरण को माफ नहीं करेगा, वो तो अपने घर जाकर हंगामा बर्पा कर देगा और कहेगा कि नवीन की मौत के जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि किरण है, किरण ही ने मेरी बहन का कत्ल किया है। तो उजाला और जुहेब दोनों मिलकर काशिफ और किरण इन्हें इनके कैफ करदार तक पहुंचाएंगे। तो नाजरीन, क्या किरण का अंजाम ऐसा ही होना चाहिए था या फिर इससे कुछ मुख्तलफ? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। उजाला को बताएगी कि उजाला, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं, जिस पुलिस वाले ने आप लोगों पर बहतान लगाया था
वो मेरा दोस्त था, उसने मुझे सब बताया कि उसने ये सब कुछ किरण आपी के कहने पर किया था। किरण आपी ने उसे बहुत भारी रकम दी थी। ये बात सुनकर जुहेब और उजाला दंग रह जाएंगे और उजाला जुहेब को बताएगी कि कोई शख्स ऐसा है जो किरण आपी को ब्लैकमेल कर रहा है और उससे बहुत सारे पैसे बटोर रहा है। उजाला और जुहेब जब किरण का पीछा करेंगे तो वो वहां पहुंच जाएंगे जहां पर किरण काशिफ को 25 लाख रुपए देगी। पैसे देने के बाद किरण काशिफ से कहेगी, ये पैसे लो और यहां से दफा हो जाओ, आज के बाद मुझे अपनी ये शक्ल मत दिखाना, तुम बहुत बेहिस और बेगैरत हो, तुम्हारी वजह से नवीन ने खुदकुशी कर ली। अगर तुम उसे ब्लैकमेल ना करते, उसे ना डराते, उसे मोबाइल ना दिखाते, ना डराते, तो वो ऐसा कभी ना करती। जिस पर काशिफ कहेगा, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं, उसने जानबूझकर खुदकुशी की है, तुम्हें क्या लगता है अगर मैं फंसूंगा तो तुम क्या बची रहोगी, जिसे बताना है जाकर बता दो, मगर एक बात का ख्याल रखना, फिर बचोगी तुम भी नहीं। ये सारी बातें उजाला और जुहेब सुन लेंगे। जुहेब ये सुनकर तो जैसे सकते में चला जाएगा। जुहेब कभी भी अब किरण को माफ नहीं करेगा, वो तो अपने घर जाकर हंगामा बर्पा कर देगा और कहेगा कि नवीन की मौत के जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि किरण है, किरण ही ने मेरी बहन का कत्ल किया है। तो उजाला और जुहेब दोनों मिलकर काशिफ और किरण इन्हें इनके कैफरे करदार तक पहुंचाएंगे। तो नाजरीन, क्या किरण का अंजाम ऐसा ही होना चाहिए था या फिर इससे कुछ मुख्तलफ? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। उजाला को बताएगी कि उजाला, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं, जिस पुलिस वाले ने आप लोगों पर बहतान लगाया था वो मेरा दोस्त था, उसने मुझे सब बताया कि उसने ये सब कुछ किरण आपी के कहने पर किया था, किरण आपी ने उसे बहुत भारी रकम दी थी। ये बात सुनकर जुहेब और उजाला दंग रह जाएंगे और उजाला जुहेब को बताएगी कि कोई शख्स ऐसा है जो किरण आपी को ब्लैकमेल कर रहा है और उससे बहुत सारे पैसे बटोर रहा है। उजाला और जुहेब जब किरण का पीछा करेंगे तो वो वहां पहुंच जाएंगे जहां पर किरण काशिफ को 25 लाख रुपए देगी। पैसे देने के बाद किरण काशिफ से कहेगी, ये पैसे लो और यहां से दफा हो जाओ, आज के बाद मुझे अपनी ये शक्ल मत दिखाना, तुम बहुत बेहिस और बेगैरत हो, तुम्हारी वजह से नवीन ने खुदकुशी कर ली, अगर तुम उसे ब्लैकमेल ना करते, उसे ना डराते, उसे मोबाइल ना दिखाते, ना डराते, तो वो ऐसा कभी ना करती। जिस पर काशिफ कहेगा, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं, उसने जानबूझकर खुदकुशी की है, तुम्हें क्या लगता है अगर मैं फंसूंगा तो तुम क्या बची रहोगी, जिसे बताना है जाकर बता दो, मगर एक बात का ख्याल रखना, फिर बचोगी तुम भी नहीं। ये सारी बातें उजाला और जुहेब सुन लेंगे। जुहेब ये सुनकर तो जैसे सकते में चला जाएगा। जुहेब कभी भी अब किरण को माफ नहीं करेगा, वो तो अपने घर जाकर हंगामा बर्पा कर देगा और कहेगा कि नवीन की मौत के जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि किरण है, किरण ही ने मेरी बहन का कत्ल किया है। तो उजाला और जुहेब दोनों मिलकर काशिफ और किरण इन्हें इनके कैफरे करदार तक पहुंचाएंगे। तो नाजरीन, क्या किरण का अंजाम ऐसा ही होना चाहिए था या फिर इससे कुछ मुख्तलफ? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। उजाला को बताएगी कि उजाला, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं, जिस पुलिस वाले ने आप लोगों पर बहतान लगाया था वो मेरा दोस्त था, उसने मुझे सब बताया कि उसने ये सब कुछ किरण आपी के कहने पर किया था, किरण आपी ने उसे बहुत भारी रकम दी थी। ये बात सुनकर जुहेब और उजाला दंग रह जाएंगे और उजाला जुहेब को बताएगी कि कोई शख्स ऐसा है जो किरण आपी को ब्लैकमेल कर रहा है और उससे बहुत सारे पैसे बटोर रहा है। उजाला और जुहेब जब किरण का पीछा करेंगे तो वो वहां पहुंच जाएंगे जहां पर किरण काशिफ को 25 लाख रुपए देगी। पैसे देने के बाद किरण काशिफ से कहेगी, ये पैसे लो और यहां से दफा हो जाओ, आज के बाद मुझे अपनी ये शक्ल मत दिखाना, तुम बहुत बेहिस और बेगैरत हो, तुम्हारी वजह से नवीन ने खुदकुशी कर ली, अगर तुम उसे ब्लैकमेल ना करते, उसे ना डराते, उसे मोबाइल ना दिखाते, ना डराते, तो वो ऐसा कभी ना करती। जिस पर काशिफ कहेगा, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं, उसने जानबूझकर खुदकुशी की है, तुम्हें क्या लगता है अगर मैं फंसूंगा तो तुम क्या बची रहोगी, जिसे बताना है जाकर बता दो, मगर एक बात का ख्याल रखना, फिर बचोगी तुम भी नहीं। ये सारी बातें उजाला और जुहेब सुन लेंगे। जुहेब ये सुनकर तो जैसे सकते में चला जाएगा। जुहेब कभी भी अब किरण को माफ नहीं करेगा, वो तो अपने घर जाकर हंगामा बर्पा कर देगा और कहेगा कि नवीन की मौत के जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि किरण है, किरण ही ने मेरी बहन का कत्ल किया है। तो उजाला और जुहेब दोनों मिलकर काशिफ और किरण इन्हें इनके कैफरे
किरदार तक पहुंचाएंगे। तो नाजरीन, क्या किरण का अंजाम ऐसा ही होना चाहिए था या फिर इससे कुछ मुख्तलफ? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। उजाला को बताएगी कि उजाला, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। जिस पुलिस वाले ने आप लोगों पर बहतान लगाया था वो मेरा दोस्त था। उसने मुझे सब बताया कि उसने ये सब कुछ किरण आपी के कहने पर किया था। किरण आपी ने उसे बहुत भारी रकम दी थी। ये बात सुनकर जुहेब और उजाला दंग रह जाएंगे और उजाला जुहेब को बताएगी कि कोई शख्स ऐसा है जो किरण आपी को ब्लैकमेल कर रहा है और उससे बहुत सारे पैसे बटोर रहा है। उजाला और जुहेब जब किरण का पीछा करेंगे तो वो वहां पहुंच जाएंगे जहां पर किरण काशिफ को 25 लाख रुपए देगी। पैसे देने के बाद किरण काशिफ से कहेगी, ये पैसे लो और यहां से दफा हो जाओ। आज के बाद मुझे अपनी ये शक्ल मत दिखाना। तुम बहुत बेहिस और बेगैरत हो। तुम्हारी वजह से नवीन ने खुदकुशी कर ली। अगर तुम उसे ब्लैकमेल ना करते, उसे ना डराते, उसे मोबाइल ना दिखाते, ना डराते, तो वो ऐसा कभी ना करती। जिस पर काशिफ कहेगा, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं, उसने जानबूझकर खुदकुशी की है। तुम्हें क्या लगता है अगर मैं फंसूंगा तो तुम क्या बची रहोगी? जिसे बताना है जाकर बता दो, मगर एक बात का ख्याल रखना, फिर बचोगी तुम भी नहीं। ये सारी बातें उजाला और जुहेब सुन लेंगे। जुहेब ये सुनकर तो जैसे सकते में चला जाएगा। जुहेब कभी भी अब किरण को माफ नहीं करेगा। वो तो अपने घर जाकर हंगामा बर्पा कर देगा और कहेगा कि नवीन की मौत के जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि किरण है। किरण ही ने मेरी बहन का कत्ल किया है। तो उजाला और जुहेब दोनों मिलकर काशिफ और किरण इन्हें इनके कैफ करदार तक पहुंचाएंगे। तो नाजरीन, क्या किरण का अंजाम ऐसा ही होना चाहिए था या फिर इससे कुछ मुख्तलफ? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। उजाला को बताएगी कि उजाला, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं। जिस पुलिस वाले ने आप लोगों पर बहतान लगाया था वो मेरा दोस्त था। उसने मुझे सब बताया कि उसने ये सब कुछ किरण आपी के कहने पर किया था। किरण आपी ने उसे बहुत भारी रकम दी थी। ये बात सुनकर जुहेब और उजाला दंग रह जाएंगे और उजाला जुहेब को बताएगी कि कोई शख्स ऐसा है जो किरण आपी को ब्लैकमेल कर रहा है और उससे बहुत सारे पैसे बटोर रहा है। उजाला और जुहेब जब किरण का पीछा करेंगे तो वो वहां पहुंच जाएंगे जहां पर किरण काशिफ को 25 लाख रुपए देगी। पैसे देने के बाद किरण काशिफ से कहेगी, ये पैसे लो और यहां से दफा हो जाओ। आज के बाद मुझे अपनी ये शक्ल मत दिखाना। तुम बहुत बेहिस और बेगैरत हो। तुम्हारी वजह से नवीन ने खुदकुशी कर ली। अगर तुम उसे ब्लैकमेल ना करते, उसे ना डराते, उसे मोबाइल ना दिखाते, ना डराते, तो वो ऐसा कभी ना करती। जिस पर काशिफ कहेगा, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं, उसने जानबूझकर खुदकुशी की है। तुम्हें क्या लगता है अगर मैं फंसूंगा तो तुम क्या बची रहोगी? जिसे बताना है जाकर बता दो, मगर एक बात का ख्याल रखना, फिर बचोगी तुम भी नहीं। ये सारी बातें उजाला और जुहेब सुन लेंगे। जुहेब ये सुनकर तो जैसे सकते में चला जाएगा। जुहेब कभी भी अब किरण को माफ नहीं करेगा। वो तो अपने घर जाकर हंगामा बर्पा कर देगा और कहेगा कि नवीन की मौत के जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि किरण है। किरण ही ने मेरी बहन का कत्ल किया है। तो उजाला और जुहेब दोनों मिलकर काशिफ और किरण इन्हें इनके कैफ करदार तक पहुंचाएंगे। तो नाजरीन, क्या किरण का अंजाम ऐसा ही होना चाहिए था या फिर इससे कुछ मुख्तलफ? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। उजाला को बताएगी कि उजाला, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं। जिस पुलिस वाले ने आप लोगों पर बहतान लगाया था वो मेरा दोस्त था। उसने मुझे सब बताया कि उसने ये सब कुछ किरण आपी के कहने पर किया था। किरण आपी ने उसे बहुत भारी रकम दी थी। ये बात सुनकर जुहेब और उजाला दंग रह जाएंगे और उजाला जुहेब को बताएगी कि कोई शख्स ऐसा है जो किरण आपी को ब्लैकमेल कर रहा है और उससे बहुत सारे पैसे बटोर रहा है। उजाला और जुहेब जब किरण का पीछा करेंगे तो वो वहां पहुंच जाएंगे जहां पर किरण काशिफ को 25 लाख रुपए देगी। पैसे देने के बाद किरण काशिफ से कहेगी, ये पैसे लो और यहां से दफा हो जाओ। आज के बाद मुझे अपनी ये शक्ल मत दिखाना। तुम बहुत बेहिस और बेगैरत हो। तुम्हारी वजह से नवीन ने खुदकुशी कर ली। अगर तुम उसे ब्लैकमेल ना करते, उसे ना डराते, उसे मोबाइल ना दिखाते, ना डराते, तो वो ऐसा कभी ना करती। जिस पर काशिफ कहेगा, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं, उसने जानबूझकर खुदकुशी की है। तुम्हें क्या लगता है अगर मैं फंसूंगा
तो तुम क्या बची रहोगी? जिसे बताना है जाकर बता दो, मगर एक बात का ख्याल रखना, फिर बचोगी तुम भी नहीं। ये सारी बातें उजाला और जुहेब सुन लेंगे। जुहेब ये सुनकर तो जैसे सकते में चला जाएगा। जुहेब कभी भी अब किरण को माफ नहीं करेगा, वो तो अपने घर जाकर हंगामा बर्पा कर देगा और कहेगा कि नवीन की मौत के जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि किरण है, किरण ही ने मेरी बहन का कत्ल किया है। तो उजाला और जुहेब दोनों मिलकर काशिफ और किरण इन्हें इनके कैफरे करदार तक पहुंचाएंगे। तो नाजरीन, क्या किरण का अंजाम ऐसा ही होना चाहिए था या फिर इससे कुछ मुख्तलफ? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो।